आज बात करेंगे कि जो गोरे होने के लिए भारत में सबसे ज़्यादा जो है क्रीमों का उपयोग किया जाता है, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, लेकिन हम जो है क्रीमों का जो उपयोग कर रहे हैं उससे कैंसर तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब एक नया गंभीर शोध आया है कि जिससे किडनी तक जो है इफेक्ट हो रहा है, यानी कि आपके ब्लड तक पहुँच रहा है और किडनी में जो है नुकसान पहुँच रहा है, उसका क्या कारण है और उस पर क्या शोध है, उस खबर को जो है आज तक आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप पत्रिका न्यूज में जो खबर छपी उस पर भी आप जो है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इतनी गंभीर विषय है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हर घर में जो है फेयरनेस जो क्रीम है जो है गोरा करने के लिए जो माताएं बहनें और बड़े जो हमारे युवा सभी लगाते हैं आज के समय में, तो उस पर हमें ध्यान रखना है। कुछ समय पहले चला था कि अगर किसी को आँख में अगर प्रॉब्लम होती है, अगर आँख है आपकी कमज़ोर हो गई है, आँखें उसे कम दिखने लगा है, या किसी प्रकार की जो भी आपको समस्याएँ हैं, तो डॉक्टर के पास जब जाते थे तो डॉक्टर कहता था आप कहीं फेयर एंड लवली या कोई अन्य क्रीम तो नहीं लगाते, या कौन सी क्रीम लगाते हैं। तो उस समय क्या आँखों के नज़दीक जैसे लगाने से उसका जो है इफ़ेक्ट जो आँखों तक पहुंच रहा था, लेकिन उसके बाद अब वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद अब इतने सारे जो कंपटीशन बढ़ता गया कि हमारी क्रीम ज़्यादा अच्छी, और लगातार जो है क्रीमों में केमिकल का प्रयोग होने लगा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है मरकरी धातु का जो है प्रयोग होने लगा है, और जिसके कारण क्या है त्वचा के कैंसर तो हो ही रहे हैं। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो त्वचा को जो है पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं, उन कोशिकाओं को। लेकिन अब एक नई शोध के अनुसार जो है कि हमारे जो किडनी के स्तर में उसमें प्रोटीन है, उस प्रोटीन के स्तर में भी जो है मतलब बढ़ोतरी हो रही है, तो जिससे क्या है हमारे जो क्रियाविधि है हमारी किडनी की वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा आज के पेपर में जो खबर छपी कि यूरिन में बढ़ गया प्रोटीन का स्तर, और वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो है हम गोरे होने के चक्कर में किडनी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं के मुताबिक क्रीम का मरकरी त्वचा से किडनी तक पहुंचता है जो, और इसके किडनी की फिल्टर क्षमता को नुकसान पहुंचता है, इससे यूरिन से बहुत ज़्यादा प्रोटीन उत्सर्जित होने लगता है। यह शोध जो है जुलाई 2021 और सितंबर 2023 के बीच रिपोर्ट किए गए मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के 22 मामलों की जाँच की गई, और केरल के एक अस्पताल में इसके मरीजों में अक्सर थकान, हल्की सूजन और यूरिन में झाग बढ़ने जैसे लक्षण देखे गए। तो उस पर उसका सबसे बड़ा कारण जो है इन्हीं फेयरनेस क्रीम को पाया गया। अब आप सोचिए कि ये त्वचा के अंदर जा रही होंगी, वहाँ से ही तो हमारे ब्लड में पहुँच रही है, क्योंकि किडनी कर क्या रही है, किडनी जो है रक्त को छान रही है, और रक्त को छान रही है इसका मतलब वो क्रीम जो है यानी वो केमिकल है, वो मरकरी या अन्य जो है केमिकल है वो आपके ब्लड में पहुँच तो रहे ना, तभी तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी किडनी अगर अपना काम सही नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं कि और ऑर्गन सही कर रहे होंगे, ब्लड जो है पूरे शरीर में जा रहा है, सभी ऑर्गन्स में जा रहा है, आपके लीवर में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, सभी जगह जा, हार्ट में जा रहा है। तो सोचिए ब्लड में जाएगा, ब्लड जो है उसको कौन छान रहा है, किडनी छान रही है, और किडनी जो है उसको सही प्रकार से छानी रही है, उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है यूरिन में ज़्यादा जा रही है। और इसका कारण क्या बताया गया कि हम जो क्रीम लगा रहे हैं उसके कारण, उस मरकरी का जो उपयोग कर रहे हैं या विभिन्न प्रकार के केमिकल का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा घातक है। तो इसलिए हमारे युवाओं को, हमारे भारत के लोगों को और अन्य सभी लोगों को जो है इससे बचना चाहिए, और कम से कम जो इसका उपयोग करें, या हो सके तो नेचुरल तरीके से, प्रकृति ने हमें जो है नेचुरल तरीके से जो है हमें सुंदरता दी है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक उपाय हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर करें कि यदि आप ऐसे कुछ उपाय जानना चाहते हैं जिससे हम जो नेचुरल तरीके से अपने गोरेपन को बनाए रख सकते हैं, और प्रकृति ने जो है वैसे भी कहा है कि जो भी दिया है रंग रूप तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने गुणों को अपने जो है सुधार करें, अपने गुणों को अच्छा बनाए रखें, और गुण अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। और रही बात जो हमारा रंग है, थोड़ा बहुत अस्थायी होता है, मेलानिन की मात्रा जो बढ़ जाती है धूप में ज़्यादा काम करने से, या जो भी हो छोटी मोटी जो समस्याएँ हैं उसके लिए बहुत सारे नुस्खे हैं आयुर्वेद में हमारे जो है भारत में जो बताए गए हैं। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं वास्तव में उनको जानना, तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे नुस्खे आपको बताऊँगा जिसका उपयोग करके आप बिना किसी केमिकल के जो है अपने त्वचा को स्वस्थ भी बना सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नई जानकारी में नई वीडियो के साथ। या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जानकारी अन्य लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। सभी साथियों का निर्मलता, नमस्कार।